और जो भी इसमें धांधली हो रहा है उसके लिए सीबीआई जांच हो। तिथि परीक्षा जो 29 दिसंबर से होने वाली है मुख्य परीक्षा 67 में, उसको तिथि को आप आगे बढ़ाइए। तो मुख्यमंत्री जी से एक ही आवेदन है, नेकी निवेदन के अमरिंदर कुमार को पद से हटाइए, वही भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति है। अतुल प्रसाद हाय 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 अतुल प्रसाद हाय 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 अतुल प्रसाद हाय हाय। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए इस वक्त हमारी उपस्थिति बीपीएससी गेट के बाहर है और यहाँ पे तमाम बीपीएससी के छात्र जो है फिर से आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ मार्क्स जो है ज़्यादा आ गया, नॉर्मल से ज़्यादा आ गया, जिसको लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं फिर से। क्या मांग है आप लोगों की, क्यों फिर से आंदोलन करने लग गए? हमारी मांगे हैं कि ई ऑप्शन को हटाया जाए, साथ ही साथ जो अभी 67वीं पीटी परीक्षा हुआ है उसका जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें 9 प्रश्न ऐसे हैं जो जिसका आंसर आयोग के द्वारा संदिग्ध है, उसके वजह से बहुत सारे छात्र जो है वो एक नंबर दो नंबर से छट चुके हैं। तो पुनः उसका चेंज करके पुनः परीक्षाफल जारी किया जाए, ठीक है। और जो भी इसमें धांधली हो रहा है उसके लिए सीबीआई जांच हो, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं आयोग से। सौरभ जी, ये बताइए कि कुछ लोगों का देर रात रिजल्ट भी जारी कर दिया गया, क्या लगता है कि वो सही हुआ है या गलत हुआ है? अरे 15 रिजल्ट जारी करने का मतलब ही है कि वो बिल्कुल गलत हुआ है। आप बताइए 6,60,000 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे और मात्र 15 ही लोग हैं जो ई ऑप्शन दिए, तो निश्चित रूप से ये गलत हुआ है। और हम मांग करते हैं आयोग से कि जो 8 से 9 प्रश्नों का जो हम लोग का कहना है कि सही है उसको सही कीजिए और तमाम जो कट ऑफ है उसको कम करते हुए आप फिर से रिजल्ट जारी कीजिए, हम लोग को यही मांग है। शुक्रिया, आप लोगों का मांग है तो हाँ, क्या क्या मांग है आप लोगों का? मांग हम लोग का है कि अतुल प्रसाद जी से यही मांग है, मांग हम लोग की है कि जो 9 से 10 प्रश्न है जिसको हम लोग सही कह रहे हैं उस पर आप निकालिए। उसी मांग है कि ई विकल्प, हम लोग का पहले से रहा है कि ई विकल्प जो 5 अद्वितीय विकल्प है उसमें से ई विकल्प को आप हटाइए। तिथि परीक्षा जो 29 दिसंबर से होने वाली है मुख्य परीक्षा 67 में, उसको तिथि को आप आगे बढ़ाइए। और अमरिंदर कुमार को मुख्यमंत्री जी से एक ही आवेदन है, नेकी निवेदन के अमरिंदर कुमार को पद से हटाइए, वही भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति है। और अंतिम मांग है कि जो बीपीएससी की कार्य प्रणाली है वो बिल्कुल संदिग्ध है, माननीय मुख्यमंत्री जी इन सब चीज़ों को लेकर बिल्कुल चिंतित है, अगर वो चिंतित हैं तो उसका जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करें, पूरा बिहार का भविष्य जो है आपकी तरफ देख रहा है। क्या लगता है कि ये तो बार बार बीपीएससी में धांधली हो रहा है, क्या लगता है कि सरकार इस पर संज्ञान लेगी? लेगी, जो है मेरे नीतीश जी हैं वो जरूर लेंगे, अगर हम लोग आए हैं यहाँ तो वो लेंगे, काहे कि वो जनहित में हर कार्य करते हैं और करते रहेंगे और हम लोग को विश्वास है कि वो लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी छात्र हैं यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, आयोग के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और नारेबाजी भी लगा रहे हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि बीपीएससी में जो बार बार धांधली होता है उसमें सीबीआई जाँच हो और जल्द से जल्द जो भ्रष्ट अधिकारी है उस पर कार्रवाई हो। इसी तरह के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर भी फॉलो करें और जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। धन्यवाद।